दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स के साथ मटका पॉलिटिक्स भी सियासी गर्मी को बढ़ा रही है। जल संकट से जूझ रहे दिल्लीवासियों के मन में सवाल बना हुआ है कि कब प्यास बुझेगी दिल्लीवासियों की। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जून जुलाई की गर्मी और पानी पर हाहाकार, ये कहानी देश की राजधानी दिल्ली के लिए कोई नई नहीं है। पिछले कई सालों से जब गर्मी अपना रौद्र अवतार अपनाती है तो दिल्ली की प्यास बढ़ती ही चली जाती है। पानी की एक एक बूंद के लिए भी दिल्ली के कई हिस्सों में मारामारी देखने को मिलती है। तस्वीरें भले ही ताजा हों, लेकिन कहानी काफी पुरानी है, और पुरानी है इन हालात पर सियासी बयानबाजी की कहानी भी। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो कहीं ना कहीं राज्यों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम दरवाजे भी बंद हो गए। नतीजा मसला वहीं के वहीं। दिल्ली सरकार कहती है पानी हरियाणा हिमाचल से मिल नहीं रहा और साजिश के तहत दिल्ली में पानी की किल्लत पैदा की जा रही है। कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है, वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 MGD पानी का प्रयोग करता है। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 MGD पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पॉन्ड पर और मुनक्कनाल में पानी मिले। पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कल जो साउथ दिल्ली की राइजिंग मेन्स है, जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है, कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई। उस लीकेज और काफी सिवियर लीकेज हुई, आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है। पानी की किल्लत के समय प्रदर्शन का प्रतीक बन चुका ये मटका भी आज यही कह रहा होगा कि अब मेरा इस्तेमाल बस यहीं तक सीमित रह गया है। मिट्टी का मटका आज शुद्ध और ठंडे पानी के लिए नहीं, बल्कि सियासी गर्मी को बढ़ाने के लिए इन दिनों उपयोग में है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को ये मटका फोड़कर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मटके की तरह आपके भी दावे मिट्टी ही हैं। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है, जेल में बैठ के बैठ गए आराम से, लेकिन दिल्ली को जनता के मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में पानी की चोरी जो आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं, दिल्ली में पानी की बर्बादी जो इनका प्रशासन करता है, तो जो है पानी के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लोगों से घरों में नहीं बैठा जा रहा है, और जल जो जीवन है, सोचिए कि इस भीषण गर्मी में भी बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आ रही है गरीब लोगों को, आ रही गरीब बस्तियों में आ रही है कि इन लोगों के पास तो मोटर भी नहीं होता जो ये पानी निकाल सके। आलम यह है कि दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए राजधानी के लोग हरियाणा हिमाचल से आस लगाए बैठे हैं, और दिल्ली की ये आस भी उनकी प्यास की तरह अधूरी रह जाती है। वजह दोनों सरकारों ने पहले ही साफ कर दी। वो सारा का सारा घमंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी, और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं, परंतु दिल्ली के जो नेता हैं अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सके। उनके ना तो वहां पर जो पानी इकट्ठा करने का उनकी सफाई है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है, वो तो खाली वाहवाही लूटने का काम करते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं उन्होंने किया है, ना कोई काम किया है।
देखिए, जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता, लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति हरियाणा की तरफ से यमुना नदी से और उत्तर प्रदेश की तरफ से गंगा नदी से पूरी होती है। इसके अलावा पंजाब से भाखड़ा नांगल से भी दिल्ली में पानी की आपूर्ति होती है। इन सोर्सेज से 2023 में दिल्ली को कुल 95.3 करोड़ गैलन पानी मिलता था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन हो गया। आंकड़ों की बात करें तो रोजाना 1300 मिलियन गैलन पानी की जरूरत दिल्ली वासियों को है। दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता 1000 मिलियन गैलन की ही है, यानी रोजाना 300 मिलियन गैलन पानी की कमी यहां हो रही है। राजधानी में बोरेवेल खुदवाने पर भी बैन है। यूनिट वाटर कनेक्शन लेने से लोग बचते हैं और पानी की किल्लत के कारण पानी माफिया यानी टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं। यानी किल्लत तो है और ये मटका पॉलिटिक्स से दिल्ली वासियों की प्यास बुझने की आस नजर नहीं आती। उम्मीद है जल्द ही सियासी गर्मी में इस्तेमाल होने वाले इस मटका का सदुपयोग होगा और ये मटका प्रदर्शन की बजाय लोगों की प्यास बुझाने के काम आता नजर आएगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।